नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बनने वाले 5 वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों के बारे में। देश के कई राज्यों में रेलवे स्टेशन को विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत गया स्टेशन के साथ साथ पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर स्टेशन, सिंगरौली स्टेशन और बेगूसराय को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने स्टेशन के पूर्ण विकास से जुड़े मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें 5 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए चयन किया गया है। इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से गया शहर की महत्ता को देखते हुए इसके पूर्ण विकास की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय स्टेशन के विकास से संबंधित कार्य भी पूरा किया जा रहा है। इन स्टेशनों पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त होगी। अंतिम रूपरेखा तैयार हो जाने के बाद इसका रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन होगा, जिसके बाद टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। रेल भूमि विकास प्राधिकार द्वारा स्टेशन के पूर्ण विकास से जुड़ा यह कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड यानी कि PPP मोड में पूरे किए जाएंगे। रेल यात्रियों के स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग व्यवस्था होगी। इसके साथ ही प्रवेश और निकास द्वार ऐसे होंगे जिससे यात्रियों को भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़े। स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल गेट और प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए यात्रियों की सुविधा होगी। इसके लिए एक्सेलेटर और लिफ्ट लगाए जाएंगे। एंट्री और एग्जिट गेट को मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है। इन स्टेशनों पर आने वाले यात्री वॉशरूम, पेयजल, ATM, इंटरनेट जैसी उच्च स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। पार्किंग एरिया में बढ़ोतरी करते हुए स्टेशन को जोड़ने वाले शहर के दोनों छोरों को एकत्रित करते हुए सार्वजनिक निजी परिवहन प्रणाली को विकसित की जाएगी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। यात्रियों को हर एक मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। गया रेलवे स्टेशन पुनर्विकास से जुड़े आवश्यक कार्यों के लिए 173 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान है। यात्रियों को संरक्षा, बेहतर अनुभव एवं विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएँ प्रदान करना है। स्टेशन को विश्व स्तरीय रूप देते हुए स्टेशनों के अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा, जहां वेंटिलेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था होगी। रेल यात्रियों के स्टेशन पर आगमन एवं प्रस्थान के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार होंगे। भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेशन का एक्सेस कंट्रोल गेट एवं प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर एक्सेलेटर एवं लिफ्ट भी लगाए जाएंगे ताकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। आवश्यक सुविधाओं में खान पान, वॉशरूम, पीने का पानी, ATM, इंटरनेट इत्यादि भी इसमें शामिल हैं। इससे आम यात्रियों के साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। अगर ये रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं तो इन्हें रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधा एयरपोर्ट जैसी देनी होगी। रेलवे के अधिकारी निजी कंपनियों को पंखा से लेकर AC मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अलग अलग स्टेशनों के लिए विशेष नियम और शर्त तब तय किए जाएंगे जब स्टेशन के निजीकरण का संबंधित टेंडर निकाला जाएगा। रेलवे अधिकारियों की माने तो कुछ स्टेशनों की खाली पड़ी जमीनों पर शॉपिंग मॉल भी बनाए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि खाली पड़ी जमीनों से फिलहाल कोई राजस्व नहीं आ रहा है। रेलवे ने दावा करते हुए कहा है कि इससे यात्री सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी। पहले चरण में देश के दो बड़े स्टेशन हबीबगंज और गांधीनगर स्टेशन को विकसित करने के लिए निजी हाथों में सौंप दिया गया है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बिहार के भी 5 स्टेशन विकसित किए जाएंगे जहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।